भैया थोड़ा आगे कर लेना। कैमरा एंगल थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा, आई थिंक कैमरा ठीक सेट नहीं हो पा रहा है। बारिश हो रही है, बारिश में मैंने सोचा कि अभी तक बारिश में एक बार भी कोई ब्लॉग नहीं बनाया, तो सोचा बारिश में ब्लॉग बनाते हैं। और वॉइस की थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि क्या है कि GoPro का एडाप्टर नहीं लगा, क्योंकि वो वाटरप्रूफ नहीं होता है। तो ज़रा कैमरा एंगल ठीक कर लिया जाए सबसे पहले। आपके आई लिंक पे शायद एक वीडियो दिख रहा होगा, सर्दियों के दिनों में हम सुबह सुबह निकले थे कि इतनी सुबह सर्दी में भी लोग अपना काम कैसे करते हैं। ठीक उसी तरह आज मैं बारिश में निकला, लोग बारिश में ज़्यादातर सिर्फ दुकानदारी वाला जो काम होता है वो कर लेते हैं, पर कुछ लोग जो हैं बेचारे सेवा करते हैं और सेवा के लिए अपना काम करते हैं। तो यहाँ मैं पहले भी आ चुका हूँ, तो सोचा आज क्यों ना थोड़ी सी दूर सेवा कर ली जाए, बस उसी के लिए हम यहाँ पर आए थे। यहाँ से कुछ हम खरीदेंगे। अम्मा कैसे कर, कैसा दिया? 20 के 5 दे बाबू। 20 के 5? ओहो, तो कितना दो? 5 ही दे दो, 20 रुपये में 5। चलो अम्मा तोड़ दो, हाँ तोड़ दो, आप अपने हिसाब से कर दो, मैं पहली बार ही आया हूँ इसलिए। हाँ आप तो डालो कुछ लो। एक सेकंड, किधर इधर हो जाए, अंदर डाल दो, थोड़ा 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 डाल दो, सबको थोड़ा थोड़ा डाल दो, हाँ थोड़ा थोड़ा डाल दो। तो भाई अपना पहला एक्सपीरियंस है, व्यक्ति की इच्छा होनी चाहिए ना करने के लिए, खुद तो व्यक्ति करेगा। बहुत सारी गौ माताएँ हैं, सबको हम थोड़ा थोड़ा कोशिश करेंगे कि सबको मिलेगा। आप भी आ सकते हैं, राजगढ़ में अच्छी जगह है, अगर आप भी प्रेमी हो गौ प्रेमी तो आप भी कर सकते हो सेवा। तो बारिश में कोई आ नहीं रहा था, बारिश में थोड़ी सी दिक्कत ही है, तो मुझे लगा कि क्यों ना आज मैं ही ये काम कर लूँ। पास आ जाए इसको, चलो भाई हो गया, अच्छा लग गया। आज से कुछ सोचा है, कुछ अच्छा ट्राई किया जाए। दोस्त सत्यम है वो, जो आज ब्लॉगिंग में नहीं आता है, उसे मैंने सजेस्ट किया था कि ये काम भी किया जाए। कदन ये पूरा, हाँ बाबूजी बिक जाता है 9 बजे तक, 9 बजे तक पूरा बिक जाता है। अच्छा ऐसा डालते हैं, अब मैं यहाँ से गुजरता हूँ, पर आज पहली बार ही आया। हाँ ठीक है अम्मा, मैं क्या सर्दियों के दिनों में आया था एक बार, बहुत पहले 12 महीने चला सर, पूरा 12 महीने चलता है ये, सही है। ठीक है आंटी जी, भाई एक्चुअल में यहाँ आने की हमारी वजह ये थी कि हमारे सत्यम भैया हमारे ब्लॉग में ऑलवेज साथ में रहने वाले, उनने हमें बोला था कि भाई कर्म करता जा, फल की चिंता ना कर। बहुत स्ट्रेस हो रहा था, टेंशन हो रही थी, ब्लॉग भी नहीं बन रहा था, तो मैं सोचा क्यों ना सुबह निकला जाए, जो बनेगा वो बनाएंगे। जस्ट तो मूव सुबह की शुरुआत कुछ ऐसे हुई है। अब आगे हम जा रहे हैं आगे नदी पर, नदी का कुछ सीन देखेंगे कैसा होता है। तो भाई पहुंच गए हम राजगढ़ की नदी के पास, जो कि है नेवज नदी, और नेवज नदी का भी हमने ब्लॉग बनाया है, आपके आई बटन पे आपको दिख रहा होगा। तो भाई बारिश में यहाँ का भी कुछ और ही मज़ा है, सोचा क्यों ना यार ये भी देख लिया जाए, क्योंकि बारिश में अक्सर लोग निकलते नहीं हैं, और आज हमने तो इरादा किया था हमें निकलना ही है, तो हमने सोचा क्यों ना निकला जाए देखा जाए। ओहो ये तो ऑलवेज भरा रहता है, और पर ओ मतलब नीचे वाला गेट खोले आई थिंक, क्योंकि नीचे वाला गेट बंद कर देते हैं, तो आप साइड राइट में अगर देख रहे हो
राजगढ़ के जो लोग हैं उनको तो पता ही होगा शायद, राइट। मैं जो देख रहा हूँ पानी यहाँ से इसके ऊपर से बह के निकलता है जब बारिश का सीज़न नहीं होता शायद पानी। हाँ गेट खुले हुए हैं इसके, हाँ एग्जैक्टली मैं सही क्या सोच रहा था, इसके गेट खोल दिए गए, आप देख सकते हो। तो नदी काफ़ी खूबसूरत लग रही है, बारिश के मौसम का मज़ा ही कुछ और है। जब बारिश होती है तो गाड़ियों में दिक्कतें होने लगती है ना जाने क्या क्या, अब गाड़ी दिक्कत करने ही लगी है। चैन स्पॉकेट पर थोड़ा सा लगता है शायद कीचड़ चला गया तो थोड़ा दिक्कत होती है भाई। यहाँ पानी बहुत तेज़ी में बह रहा है भाई, बात पानी से दूर रहने को बोला है पापा ने तो भाई दूरी है, पापा जी ज़्यादा नज़दीक नहीं जा रहे। ये क्या सूझा पानी में, बहुत ही तेज़ी में पानी निकल रहा है, हम लोग को तो तैरना भी नहीं आता यार। अब राजगढ़ की फेमस घूम घाटी की तरफ से हम निकलते हैं, घूम घाटी पर भी बारिश के मौसम पर थोड़ा ऊपर से यार अच्छा व्यू आता होगा राजगढ़ से, शायद वहाँ भी चलते हैं। ये घूम घाटी का पहला मोड़, यार राजगढ़ में तो मौसम का मज़ा ही कुछ और है। अगली बार एक काम करेंगे, सारी घासें खरीदेंगे और भैया स्कूटी पर रखेंगे और पूरे कल करेंगे, बाइक पर रखेंगे सुबह सुबह जो सिटियों में गाय बेचारी घूम रही है इनको खिलाने का काम किया जाएगा। आज के ब्लॉग में बस इतना ही कुछ, बाकी हम आपको जल्द मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। कोशिश करेंगे कि अब हम डेली ब्लॉग बना पाए। आपको वीडियो कैसे लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ गाइस लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे चैनल में आगे के लिए टाटा, बाय बाय।